सवाल, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुझे आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले भाई एक रिपोर्टर है पाकिस्तान की, तो उनको जो है ना भाई बातें सुना दी हैं जो जाकिर नलायक जो है ना उन्होंने, तो जो बड़ा उनका साथ देती थी, बड़ा कुछ कहती थी, आज भाई उन्हीं की उन्होंने बेइज्जती कर दिया, वही हम देखने वाले हैं। प्लीज वीडियो के अंत तक देखे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देखते हैं आज की वीडियो। खवातीन मीडिया पे कैमरा के आगे नहीं आ सकते, क्या सही हिजाब से नहीं है? और अगर सही हिजाब से है और चेहरा दिख रहा है तो फितना के अगर औरत हुक्मरान बनती है उसकी आखिरत बर्बाद हो। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक ने एक ऐसा तमाशा लगाया है पाकिस्तान के अंदर आके कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर की तरफ जाता है। डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में अब लोग ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने एक्सपोज होना था, उनका सारा का सारा पोल खुलना था, तो वो पाकिस्तान आ गए। पहले मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर जाकिर नायक को, मेरा उनके लिए बड़ा आप समझें कि मोदबाना पैगाम है कि डॉक्टर जाकिर नायक प्लीज गो होम, प्लीज प्लीज गो होम, गो बैक। मैं तो ये कहता हूँ कि शादी करने के लिए अगर मर्द ना मिले किसी खातून को तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। ख्वातीन को कहा आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन ये है कि ऐसे मर्द से शादी करो जिसकी पहले ही शादी हो चुकी है। दूसरी ऑप्शन ये है बिकम अ पब्लिक प्रॉपर्टी कोट एंड कोट, बाजारी औरत। जी दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी दोस्तों, तो देखा आपने जाकिर नायक फिलहाल इस वक्त आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान के अंदर है पिछले 9-10 दिनों से, और एक से एक कंट्रोवर्सियल जो बयान है वो जाकिर नायक की तरफ से दिया जा रहा है। और ये सारे बयान सुनने के बाद अब खुद पाकिस्तानी, मैं नहीं, खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं जाकिर नायक नहीं जाकिर नालायक, ये पाकिस्तानियों के अल्फाज है, मेरे ये शब्द नहीं है। अगेन बहुत लोग फिर कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे उनके फॉलोवर्स जो हैं। खैर, तो अभी जो रिसेंटली, इसके पहले तो जो बयान दिया वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन अभी जो ये रिसेंटली बयान दिया गया है पाकिस्तानी फीमेल एंकर्स के ऊपर में कि अगर कोई फीमेल एंकर खुद को बिना इवन फेस, बिना फेस ढके या खुद को ढके अगर कैमरे पर आ रही है तो वो फितना है, उसको फितना करार दिया गया है। इसको लेकर खासा गुस्सा है पाकिस्तान की महिलाओं के अंदर में। और अगर आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के थंबनेल टाइटल्स अगर आप देखो जो जाकिर नायक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, एक्स के ऊपर आप जाओ, तो अब जाकिर नायक गो बैक के नारे पाकिस्तान के अंदर लग रहे हैं। और ये बयान, खास करके ये मीडिया वाला बयान सुनने के बाद, कैमरा वाला बयान सुनने के बाद, पाकिस्तान की फीमेल एंकर फिजा खान, किरण नाज, अनिका, ये सब सदमे में हैं। हमारे अविश्वसनीय सूत्रों ने हमें बताया है कि अब कन्फ्यूज़न हो गया उनके अंदर में, और कल जो फिजा प्रोग्राम करने आएगी तो बताया जा रहा है कि वो बाकायदा अपने आप को ढक कर जो है वो प्रोग्राम करने के लिए कल बैठेगी कैमरे के सामने। तबाही, तबाही, तबाही। आइए बढ़ते हैं, बाकी पाकिस्तानी पत्रकार क्या कह रहे हैं इसके ऊपर सुनते हैं। लेकिन अब इसके साथ एक बड़ा प्रॉब्लम भी रिवील होता है जो ज्यादा सीरियस और परेशान कुन सूरत हाल है कि मिलियंस ऑफ मुसलमान जो हैं वो डॉक्टर जाकिर नायक को अपना एक स्कॉलर समझते हैं, वो उनसे एक सेंस ऑफ डायरेक्शन ढूंढते हैं, वो समझते हैं कि वो एक वर्ल्ड व्यू उनको देंगे, उनको समझ आएगा कि चीज़ें कैसी हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक ने अब तक जो बातें की हैं गुज़िश्ता 7-8 दिनों में, पाकिस्तान में 8 दिनों से वो हैं, 9 दिनों से, उनको देख के ऐसा लगता है कि मुस्लिम दुनिया का ये स्कॉलर जो है उसको दुनिया की पेचीदगी, कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडर्न वर्ल्ड का बिल्कुल भी नहीं पता। वो अपने किसी नैरो ग्रूव के अंदर फंसा हुआ है, उसी हवाले से वो सारे के सारे कमेंट कर रहा है। स्कॉलर वो होता है जो ये नहीं कि दुनिया को कंडेम करता है, स्कॉलर दुनिया के अंदर आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है। और कंपैरेटिव रिलीजन या मजाहिब का स्कॉलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप मुख्तलिफ फैक्ट्स याद करके बाकी मजाहिब को पुट डाउन करें या उनको बिलिटल करें, बल्कि आप उनके दरमियान में एक एकोमोडेशन की बात करते हैं, एक इर्तका की बात करते हैं, आइडियाज़ की बात करते हैं, और आपके जो फॉलोअर्स होते हैं उनके साथ आप एक बेहतर वर्ल्ड व्यू और एक सेंस ऑफ डायरेक्शन शेयर करते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो है वो डॉक्टर जाकिर नायक में नज़र नहीं आई। आई एम श्योर कि बहुत उनके फॉलोअर्स आप में से भी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इस सूरत हाल के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे कि डॉक्टर साहब का स्कॉलरशिप जो है वो है किसके। मैं उनको बताना चाहता हूँ, एवरी गेस्ट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, सम बाय कमिंग, सम बाय लीविंग, and you know definitely which category you are in. I mean, I don't have to spell that out. मैंने बहुत साल पहले जब मैं छोटा होता था बिल्कुल, मैं एक फिल्म देखी थी स्टीवन स्पिलबर्ग की ईटी, तो उसमें जब वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है ना, वो कहता ईटी गो होम, तो करोड़ों बच्चे दुनिया भर में ना रो पड़ते,
ईटी गो होम। लेकिन अगर आज डॉक्टर जाकिर नाइक कहेंगे कि जाकिर गोज होम, ट्रस्ट मी अ लॉट ऑफ पीपल विल बी वेरी हैप्पी एंड दे विल हैव अ साइ ऑफ रिलीफ। क्यों? मैं आपको सीरियस बात बताता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक एक तबलीग के सिलसिले में आए, वो एक दीनी स्कॉलर है। आई एम श्योर के वो जो इंटरफेथ हार्मनी पे या इंटरफेथ पे उनकी बहुत रिसर्च है, उनकी बहुत स्टडी है। लेकिन जब मैं उनको अपने लोकल स्कॉलर से कंपेयर करता हूँ, चाहे उसमें डॉक्टर इसरार अहमद हों, चाहे उसमें मौलाना मौदूदी हों, उसमें मौलाना मुफ्ती महमूद हों, मौलवी अब्दुल हक हों, ये सारे लोग और जो इनकी राइटिंग्स हैं, जब मैं उनको कंपेयर करता हूँ उनसे, तो ये कुछ भी नहीं है। It doesn't stand close to any of the greats. का जो ये तमाशा है डॉक्टर जाकिर नायक का, उसके जो एंटिक्स हैं वो तो खैर रोज ही हम सुन रहे हैं। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, चंद दिन पहले इस्लामाबाद में जब एक तकरीब थी स्वीट होम्स की, जो एक यतीम बच्चों का, लड़के लड़कियों का एक इदारा है उनकी फलाह के लिए, तो वहाँ पर डॉक्टर जाकिर नायक ने छोटी छोटी बच्चियाँ जिनकी उम्र 10-11 बरस से 13-14 बरस की थी, उन्हें असनाद और सर्टिफिकेट देने से उन्होंने अचानक वो स्टेज से गुम हो गए, खौफजदा हो गए, और उन्होंने इनकार कर दिया। और रीजनिंग उन्होंने ये दी कि ये नामहरम है और इस्लाम के अंदर नामहरम जो ख्वातीन हैं उनके करीब नहीं जाया जा सकता, ये टच नहीं किया जा सकता। वो कुछ और भी कर सकते थे, बहरहाल अब मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाता, बिकॉज उन्होंने लेटेस्ट तमाशा लगाया है कराची के अंदर एक कॉन्ग्रीगेशन में PIA के हवाले से, जहाँ वो ये कह रहे हैं कि PIA ने उनको 100% डिस्काउंट नहीं दिया, उन्हें सिर्फ फोर्थ स्टेट गेस्ट थे, उनको सिर्फ 50% डिस्काउंट दिया। और फिर उसको कंपैरिजन उन्होंने शुरू कर दिया कि मैं तो हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम और हिंदू जो है वो डॉक्टर जाकिर नायक को देख के जो है बिछ जाते हैं, और हिंदुस्तान में अगर कोई मसला है थोड़ा बहुत तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी का है, वरना हिंदुस्तान का कल्चर डिफरेंट है, वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत जो है वो दी जाती है, हिंदू मेरी बहुत इज्जत करते हैं, हिंदुस्तान में मेरी बहुत इज्जत है, मुझे तो 100% क्या 500% डिस्काउंट लोग दे देते हैं, मैं जो चाहता हूँ वो कर दिया जाता है, लोग मुझे देखते हैं तो बिछ जाते हैं, और मुझे वो इज्जत और वो वकार जो है मुझे पाकिस्तान में नहीं मिला। यहां आप परेशान इसलिए हो जाते हैं कि मुस्लिम दुनिया का, साउथ एशिया का इतना बड़ा सो कॉल्ड स्कॉलर जो है वो इतनी छिछोरी और छोटी 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 चीज़ों में इतना ज़्यादा जो है उसके बारे में इमोशनल भी है, और इतनी छिछोरी किस्म की जुबान भी वो इस्तेमाल करता है। आई थिंक इट्स अ पॉइंट ऑफ ह्यूमिलिएशन फॉर अ कंट्री के स्टेट गेस्ट को बुलाया आपने और वो आकर मुल्क में ये फरमा रहे हैं कि हर वो औरत बाजारी है जो कि कुवारी है, यानी कि वो शादी करने को चूज़ नहीं कर रही डेलिब्रेटली। ये वो मुल्क है जहाँ पर मादर मिल्लत यानी कि मदर ऑफ़ द नेशन पाकिस्तानी उस खातून को कहते हैं, फ़ातिमा जना साहिबा को, जिन्होंने शादी नहीं की, ठीक है। तो इसको बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि दिस शुड नॉट, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द फिलासफी ऑफ रिलीजन दैट वी फॉलो, और इस पर क्रिटिसिज्म और इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए कि हर वो खातून जो शादी नहीं करती उसको बाजारी औरत कह दिया जाए। दिस शुड बी अनएक्सेप्टेबल टू ऑल स्टेट्स इन द वर्ल्ड एंड दिस शुड हैव बीन क्रिटिसाइज बाई एटलीस्ट एनी वन इन द गवर्नमेंट। नहीं हुआ, नहीं हुआ, बट आई फेल्ट रियली रियली हर्ट ऑन दीज रिमार्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ आर वुमेन ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि ये इतना आसान बन चुका है कि आए कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके बिलिटल करके चला जाए ख्वातीन को, नोबडी बैट्स एन आईज, किसी को अफसोस नहीं होता कि ये गलत हुआ है, ठीक है, तजहीक फील नहीं होती, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो भाई देखा ही कि अभी पाकिस्तानी मीडिया से लेकर पाकिस्तानी लोग जो है वो इसके पीछे पड़ चुके हैं, वो बोल रहे हैं कि इसको किसी ना किसी तरीके से मतलब पाकिस्तान से बाहर निकालो, कि इस जाहिल को हमने बुला लिया है। जाहिल को बुलाने से पहले सोचना तो चाहिए था कि भाई ये क्या चीज है, मगरूर किस्म का आदमी है और सबकी बेइज्जती। अब तो इसने न्यूज एंकर को भी नहीं छोड़ा और बोल रहा है कि लेडीज जो है उनका मतलब, अम्मी ये मरियम नवाज को भी बोल रहा है कि ये मरियम नवाज जो है ना वो मतलब क्यों उसको बनाया गया है इस कंट्री का CM है ना, तो उनको क्यों बनाया गया है, और मरियम नवाज को क्या मर्द मर गए हैं जो एक औरत को बनाया गया, ऐसा बोला है इसने, क्या मर्द मर गए हैं इस कंट्री में जो एक औरत को लाया गया है, और जो औरतें हैं वो न्यूज एंकर बिल्कुल नहीं हो सकती, और अगर हो भी सकती हैं तो बिल्कुल उनका फेस ढका हुआ होना चाहिए, आंखें भी बिल्कुल उनकी नजर नहीं आ रही होनी चाहिए पर्दा करके, तो फिर न्यूज एंकर को देखेगा कौन, ये बताए फिर देखेगा कौन। लोग
हमारे कंट्री के, मैं आपको बताऊं, हमारे क्या पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, एक लड़की जो होती है ना वो खूबसूरत होती है, और लेते भी वो ऐसी लड़कियों को जो होती खूबसूरत है, ताकि वो न्यूज जब देती है ना तो वो खूबसूरत हाँ, तो अट्रैक्टिव होने के लिए लोग बहुत ज्यादा न्यूज को हमें क्यों देखते हैं कि वो एक औरत न्यूज दे रही है, और मतलब ऐसी लड़कियों को हम किसी जगह पे जाते हैं ना मेकअप खरीदने, तो वहां पे भी लड़कियां ही होती हैं, और हर शॉपिंग मॉल में आपको दिखेंगी लड़कियां। लड़कियां बहुत ज्यादा जगह आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन ये आदमी बोलता है मर्दों से आगे है। सही बात है, साइंटिस्ट लड़कियां, लेकिन ये इसके हिसाब से जो लड़कियां वो चार दीवारी में रहने के काबिल हैं, और ये इन मर्दों में शामिल है। पता नहीं वो क्या, वो भी क्या क्या करती होंगी, ये बस दूसरों के लिए ये कानून लागू कर रहा है ना, अपना अपने लिए ये कानून नहीं है। सही बात है, ये जो इसकी हरकतें है ना, इसको कोई जूते, वो इंडिया इसका घर ही था ना, वहां पे इसको जूती से नहीं जाना, उन्होंने उनको जूते मार के निकाला है। इतनी जरूरत है तो जाओ हाँ इंडिया का, दिखाओ हाँ तुम्हारा, देखना वो हशर क्या करेंगे। वो मौका की तलाश लेते हुए निकल गया, पता नहीं कैसे उनकी आंखों से बच के ये आदमी निकल गया। अब वो कभी ये इंडिया जा नहीं सकता, अगर गया तो समझे इसकी बैंड बज जानी है इसकी, इसको जेल में इन्होंने हमेशा के लिए दें, शायद इसको फांसी ही दे दें जो इसने वहां पे हरकतें की हुई है। पैसे उनके 200 करोड़ रुपया लेके भागा है, वो फिर इनसे इनसे निकलवाएगा ना, मोदी जो है वो भी इनसे निकलवा लेंगे, लेकिन अब वो दूसरे कंट्री में पनाह ली है, वहां पे जाके तो वो नहीं निकलवा सकते, लेकिन पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की ही बेइज्जती भाई वो कर रहा है। मैं पाकिस्तान ये लोगों की बेइज्जती कर रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बेइज्जती कर रहा है। तो मरियम नवाज जल्दी जल्दी इसको बाहर निकालो, इसने तो अब तुम पे भी कमेंट कर दिया, अब क्या बाकी रह गया, मरियम नवाज पे कमेंट कर दिया, अब कुछ बाकी रहता है, निकालो इसको बाहर यहाँ से। ये थी आज की वीडियो, क्या बोलना चाहेंगे बताइएगा, फिर मिलता है एक और वीडियो, थैंक यू।